दोस्तों ये है Realme 3 Pro और दोस्तों मेरे Realme 3 Pro के अंदर आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ मैं। जैसा कि दोस्तों आप देखें कि मेरे Realme 3 Pro के अंदर जो बैटरी और नेटवर्क के आइकन हैं वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपके फ़ोन के अंदर ये राइट हैंड की तरफ दिखाई देंगे अगर आपके फ़ोन के अंदर Realme UI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। चलिए खैर मैं आपको एक और नई चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे फ़ोन की सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ जो भी सेटिंग्स के लिखे हुए यानी कि जो टेक्स्ट हैं वो तो मेरे राइट हैंड की तरफ दिखाई दे रहे हैं और बाकी जो इनेबल और डिसेबल करने के जो फीचर्स हैं वो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपके फ़ोन के अंदर इसका उल्टा है। आपके फ़ोन के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ है और बाकी जो ये वाली साइड है वो राइट हैंड की साइड आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने ये किस तरह से किया है, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये फीचर्स को हम किस तरह से इनेबल कर सकते हैं अपने रियलमी के किसी भी फ़ोन्स के अंदर। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें, मेरे रियलमी 3 प्रो के अंदर यहाँ मुझे एक एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलता है नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि फोर्स राइट टू लेफ्ट का ये एक फीचर है। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा फोन जो है एक क्लिक में ही पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। चलिए मैं फोन की सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल एकदम नॉर्मल से हो गई। और दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ से फिर से क्लिक करता हूँ तो मेरे फोन की जो सेटिंग्स हैं वो एकदम से चेंज हो गई, राइट टू लेफ्ट हो गई सारी की सारी सेटिंग्स। चलिए खैर मैं आपको बताता हूँ कि अब इस फीचर्स को आप किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। अगर आप अपने फोन की सेटिंग्स में यानी कि नोटिफिकेशन पैनल की सेटिंग्स में अगर आप कहीं भी इसको सर्च करते हैं तो ये फीचर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे किस तरह से इनेबल करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको आना है फोन की सेटिंग्स में और फोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। जैसे दोस्तों आप एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो यहां आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस का एक ऑप्शन। अगर आपके फोन के अंदर डेवलपर ऑप्शंस का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इसको किस तरह से इनेबल कर सकते हैं मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए खैर दोस्तों अब फाइनली आपको करना क्या है, डेवलपर ऑप्शंस के अंदर एंटर करना है और जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करते हैं तो आपको करना है नीचे स्क्रॉल, और जैसे दोस्तों नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक फीचर है उसको सेलेक्ट करना है, क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स। एंड जैसे दोस्तों आपको ये फीचर्स मिल जाता है तो आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है और इसे जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन इसको इनेबल कर देना है। और जैसे दोस्तों आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर ये वाला फीचर्स ऐड हो जाएगा। चलिए मैं एक बार इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ, और जैसे दोस्तों मैंने इसको डिसेबल कर दिया तो यहाँ से मेरा ये जो फीचर्स है ये अब यहाँ से हट गया और आपको ये फीचर्स अब कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे दोस्तों मैं इसको यहाँ से इनेबल कर देता हूँ तो इनेबल करने के बाद मेरे फ़ोन के अंदर ये फीचर्स आ जाएगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा यानी कि लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सॉरी राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने फ़ोन का अच्छे से लुक चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है इस फीचर्स का वो किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो कि लेफ्ट हैंडेड होते हैं यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से वो सारे के सारे काम करते हैं, ये फीचर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर दोस्तों फिलहाल मैंने जानकारी के लिए आपको ये फीचर्स बताया था, अगर आपको ये फीचर्स अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने फ़ोन को इस कंडीशन में यानी कि राइट टू लेफ्ट करके यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दोस्तों आप मुझे ये भी बताइए कि आपको ये फीचर्स पहले से पता था या नहीं पता था। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ।